उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है। जाहिर सी बात है, फिलहाल चुनावी भिड़ंत में सबसे दो बड़ी पार्टियों के रूप में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, लेकिन सपा पुरजोर कोशिश में है कि पार्टी सत्ता में विराजे। समाजवादी पार्टी की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की थी और वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज भी कर चुके हैं। वहीं बेटे अखिलेश यादव भी यूपी के मुखिया रह चुके हैं। साल 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को 2017 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आज हम बात करेंगे कि यूपी की राजनीति के दो बड़े चेहरे, पिता पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के पास कितनी संपत्ति है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति 15 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। यानी 2014 से 2019 के बीच उनकी संपत्ति में तकरीबन 4 करोड़ रुपए का इजाफा दर्ज हुआ था। जबकि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति 23 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 3 करोड़ बताई थी। देखा जाए तो साल 2009 से 2019 के बीच यानी 10 सालों में उनकी संपत्ति में 8 गुना का इजाफा हुआ। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव से अधिक अमीर हैं। उनके पास पिता मुलायम सिंह यादव से 1.5 गुना ज्यादा संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।